जी सीधे निकलेंगे गुना मध्य प्रदेश, वहां कथा है 20 तारीख से। लाल जी गुना जाएंगे, वृंदावन नहीं जाएंगे। तो गुना के बाद में फिर 4 दिन का अवकाश है, तब वृंदावन आएंगे। आप लोग कहेंगे महाराज जी आप भी अपने ठाकुर जी को लिए घूमते हो, हम लोग लिए घूमे तो क्या दिक्कत है। पर हमारे ठाकुर जी बड़े व्यवस्थित चलते हैं, एक ट्रक सामान तो ठाकुर जी का व्यवस्थाओं का ही चलता है। क्यों? मन में ये भाव है कि भाई वो ठाकुर जी हैं, उनको कहीं भी बिठाना नहीं है, कहीं भी सुलाना नहीं है, कहीं भी रख नहीं देना है, कुछ भी उनके सामने खाना नहीं है, कुछ भी उनको परोसना नहीं। रसोईया भी संगी चलते हैं ठाकुर जी के, उस ठाकुर जी का प्रसाद ही देख वे में नेक्सो सो हमारो लाला, पूरी व्यवस्था चलती है उनके साथ में। हमारी माता जी तो इतनी परेशान कभी कभी हो जाती हैं, हमारे घर की एक फ्लोर में बिल्कुल जगह ही नहीं बची, सारे सामान ठाकुर जी के। अभी आप देखते हो राजभोग आरती खंड पाठ चौकी यहाँ की, और हर साल में नए सामग्री और बनवा देता हूँ, तो बेचारियों कहती कहाँ भरे हो भैया, पूरा घर तो तेने लाल जी ते ही भर दियो। सामग्री इतनी ठाकुर जी की रहती है साथ में, तो हमारे ठाकुर जी बड़े व्यवस्थित चलते हैं, उनकी बड़ी व्यवस्थाएं चलती हैं साथ में, और हम ये भी ठाकुर जी कृपा की व्यवस्था कर पा रहे हैं। तो उन लोगों से प्रार्थना जो डलिया में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं, सब जगह जाते हैं, एक मेरी बात सुनना, ठाकुर जी प्रत्यक्ष चलें ये आवश्यक नहीं। हमारे पूज्य श्री जगन्नाथपुरी वाले महाराज जी पधारे, आपके ठाकुर जी भी पधारे, पूरी सेवा आई है और पूरी व्यवस्थित सेवा आई है। ठाकुर जी की जैसे भोग सामग्री आदि बननी चाहिए, उसी प्रकार जहां महाराज जी का निवास है वहां उसी प्रकार सेवा ठाकुर जी की चल रही है। लेकिन जो अपने लड्डू गोपाल आदि को कहीं भी लिए जाते हैं, उनसे थोड़ी प्रार्थना कि ठाकुर जी हमारे हैं, प्रयास करो कि श्रृंगार करके ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान करके नेत्रों में भर के फिर उनको चित्त में विराजमान कर लो। हे लाल जी अब हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, अब हम नदी स्नान के लिए जा रहे हैं, अब हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, या हम बाहर मार्केट में घूमने जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप अकेले नहीं हो यहाँ पे। ऐसा भाव नहीं करो कि ठाकुर जी अकेले हैं कक्ष में तो हम छोड़ के कैसे जाएं। ठाकुर जी आप चित्त में विराजमान हो जाओ, और ये भाव रखो कि अब ठाकुर जी मेरे चित्त में ही हैं, वो मेरे संगी जा रहे हैं। आप ऐसे जाओ, ठाकुर जी को सब जगह लेके नहीं जाना है। बाइक पे घूम रहे हैं, ठाकुर जी संग में गोद में है, कहीं जा रहे हैं, उसमें थोड़ा भाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पाप लगेगा आपको, ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, नहीं, पर भाव से आप ठाकुर जी को स्वीकार नहीं करते हो, उससे भी ठाकुर जी की सत्ता पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो आप कि नहीं ठाकुर जी आप यही हो, आप हृदय में नहीं हो, ऐसी बात आ जाती है। श्री माधव दास जी जगन्नाथपुरी भगवान के बड़े अनन्य भक्त, एक बार उनके मन में भाव आया कि मैं वृंदावन जाऊंगा दर्शन करने के लिए, और वो श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने जाकर के आज्ञा लेने लगे, महाप्रभु जी मैं वृंदावन जा रहा हूं दर्शन करने। तो श्री महाप्रभु जी रोने लगे, नेत्रों में आंसू आ गए जगन्नाथ जी के, माधव तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगता पुरी में। माधवदास जी बोले अब मैं भगवान मेरे भी तो मन करता है कि मैं वृंदावन जाऊं, तीर्थों में जाऊं, दर्शन करूं। जगन्नाथ जी बोले तो भाई एक काम करो, तुम हमको भी ले चलो साथ में, हम भी चल रहे हैं तुम्हारे संग, वृंदावन रहेंगे। ठाकुर जी तैयार हो गए मंदिर छोड़ के जाने के लिए, बोले बलभद्र सुभद्रा संभाल लेंगे, 6-7 महीने में हम भी तुम्हारे संग लौट आएंगे, हम तो तुम्हारे संग ही चलेंगे। माधवदास जी बोले भगवान पूरा विश्व मेरे पीछे पड़ जाएगा, आप ऐसे नहीं करो, और आपको तो इतनी भूख लगती है, पूरे दिन आपको दाल भात खवाना पड़ता है, नए नए भोग बना बना करके आपको पवाने पड़ते हैं, अब मार्ग इतना दुर्गम, बीच में भोग की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, आप भूखे, आप हम तो संत महात्मा 3-3 दिन भूखे रह लेते हैं, आप कैसे रहोगे। जगन्नाथ जी बोले नहीं लेके जाओगे हमको अपने साथ। बोले भगवान अब आप बस इसको निवेदन मान लीजिए, आप तो पुरी में ही विराजो, मैं जाता हूं 5-6 महीने में आऊंगा दर्शन करके। माधवदास जी चले गए, एक रात व्यतीत हुई
जंगल बिहंगम जंगल पार कर रहे थे माधवदास जी, और ऐसी तीक्ष्ण भूख लगी उनको कि बस ये होने लगी स्थिति, पत्ते खा जाऊं कि पेड़ तोड़ के खा जाऊं, कुछ खा लूं मैं, इतनी व्याकुलता भूख की। माधवदास जी को विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इतनी भूख कभी नहीं लगती, मैं तीन तीन दिन तक भूख जीत लेता हूं। इतनी जोर की भूख लगी माधवदास जी को, माधवदास जी दौड़े, बोले कुछ मिल जाए भैया, पत्ते वत्ते मिल जाते उन्हीं को उठा के खा जाते, कसैले होने के कारण फिर छोड़ना पड़ता, क्या करें कहां जाऊं इतनी भूख लगी। तभी एक गांव दिखा, दौड़ करके गए, एक दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी माता ने गेट खोला तो माधवदास जी बोले मैया मैं तेरे हाथ जोड़ूं पैर पूजूं, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे प्राण निकलने को हो रहे हैं, मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं कुछ भी खाने को तैयार हो गया हूं, ऐसी स्थिति में हे मैया आप कृपा करो, मुझे आपके घर में जो भी सामग्री हो वो मुझे पवा दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। माता जी ने माधवदास जी को बुलाया, सुंदर थाली लगाई, माधवदास जी तो थाली देखते ही महाराज प्रणाम करके तुरंत लगे पाने। माता जी आकर के बोली बाबा ने एक धीरे पा लियो, इतनी जल्दी जल्दी मत पाओ, और कैसे निष्ठुर बाबा अकेले अकेले पा रहे हो, इस संग में छोटा सा बालक तुम्हारे बैठा है, कैसे देख रहा थाली की ओर, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो। माधवदास जी बोले कोई बालक नहीं है हमारे साथ। अरे झूठ और बोल रहे हो, ये बगल में पता नहीं किस माता का बालक चोरी करके लाए हो। बाबा रुक जा, सवेरे पूरे गांव में हल्ला मचाऊंगी, तुम एक बालक चोरी करके घूम रहे हो। माधवदास जी बोले कहां है बालक, कौन है, बोले ये बगल में बैठा तो है तुम्हारे। माधवदास जी ने अपनी भाव दृष्टि से देखा तो मंद मंद जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे थे, बोले हम संगी हैं आपके, हम पुरी में नहीं, हम संग आए हैं, और माधव ये भूख आपको नहीं लग रही है, हमको लग रही है। माधवदास जी बोले तभी तो मैं कहूं कि ऐसे लग रहा है कि मानो जैसे पेट में ज्वाला जल रही हो, आ गए साथ में अब पुरी में। बोले पुरी में हमारा विग्रह विराज रहा है, हम तो भाव से तुम्हारे साथ वृंदावन चल रहे हैं। अब बताओ माधवदास जी को प्रत्यक्ष ठाकुर जी लाने की आवश्यकता थी नहीं, ठाकुर जी भाव से गए उनके साथ। अब तो माधवदास जी की स्थिति हो गई, 6 महीना में तो वृंदावन पहुंचे, क्यों हर एक घंटा में भूख लग जाए उनको। माधवदास जी अपने पेट पे हाथ रखे, हे जगन्नाथ जी ने डट जाओ, एक दो दिन तो नेक चलन दो मुझको। जैसे तैसे वृंदावन पहुंचे, इतनी भूख लगने लगी उनको कि ठाकुर जी संग जा रहे हैं। वृंदावन आते ही महाराज यमुना जी को प्रणाम किया, ब्रजरज को प्रणाम किया, वृक्षों को प्रणाम किया, ब्रजवासियों को प्रणाम किया। जैसे ही यमुना तट पर जाकर के बैठे, भूख लगी आई बहुत जोर की, तो किसी ब्रजवासी ने उनको चने दे दिए थे, माधवदास जी ने वही चने पा लिए। और ठाकुर जी अब ठीक है, भरगो पेट आपको। माधवदास जी बोले चलो अब ठाकुर जी के दर्शन करें। श्री बांके बिहारी लाल जी का दर्शन करने के लिए माधवदास जी गए। उस समय बिहारी जी निधिवन में विराजमान रहते थे, निधिवन में विराजते थे। अभी तो ठाकुर जी मंदिर में विराजते हैं, ये तब की बात जब स्वामी हरदास जी सेवा करते थे, ठाकुर जी निधिवन राज में विराजते थे। माधवदास जी दर्शन के लिए गए, कपाट लगे थे कुंज के, इतने में ही भीतर से स्वामी हरदास जी निकल करके आए, दर्शनार्थी बैठे थे। ए भाई तुम लोगों में से माधवदास कौन है? माधवदास जी बोले मैं हूं भगवान। तुम जगन्नाथपुरी से आए हो? बोले हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे पता, मैं पुरी से आया हूं आपको कैसे पता? बोले इधर आओ जल्दी। माधवदास जी गए, स्वामी हरदास जी ने हाथ पकड़ा, बोले ठाकुर जी को रूखे चने खवा दिए तुमने, हमने 56 भोग बनाए, ठाकुर जी कह रहे मन ना कर रो, माधवदास ने रूखे रूखे चना खवा दिए, मेरो पेट भर गो है। अब वहां माधवदास जी कह रहे मैंने तो जगन्नाथ जी को पवाया, पेट बांके बिहारी का भर गया। बोले जैसे फोन के नए नए स्थानों पर जाकर के वहां के नेटवर्क पकड़ लेता, ऐसे ठाकुर जी के तुमने पुरी से यहाँ आए तो बिहारी जी ने तुम्हारा नेटवर्क पकड़ लिया, अब तुम जो पाओगे बिहारी जी का पेट भरेगा। यह है भाव की सेवा। ऐसे तो भैया आवश्यकता नहीं, या तो पूर्ण व्यवस्था करके चलो ठाकुर जी की, ऐसे व्यवस्थित होके चलो जैसे अपनी व्यवस्थाओं को देख के चलते हो, हमारे भोजन सामग्री, हम कहाँ खा लेंगे, कौन से रेस्टोरेंट पर खा लेंगे, कौन से होटल पर खा, ठाकुर जी थोड़ी खाएंगे सब जगह।
इसलिए कहीं भी मार्ग पर जाओ व्यवस्था करके चलो ठाकुर जी की। मैं तो बताता हूं कथा में, हमारे लाल जी की झांपी जी हैं जिसमें ठाकुर जी जाते हैं सफर में, वहां झांपी जी में तो मैं करीब 5-10 हजार रुपए ठाकुर जी की झांपी जी में रखे रहते हैं, और जैसी फ्लाइट में बैठते हैं, लंबी फ्लाइट हो तो ठाकुर जी से निवेदन कर देते हैं, लाल जी अब तो कुछ मिलने वाला है नहीं आपको, जैसी हवाई जहाज आकाश